हम लोग हो गए रेडी जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं कृषि? बोलो सर्कस। सर्कस तो हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। सर्कस सब रेडी है और आगे देखते हैं कैसा रहता है सर्कस। ये मैं ग्रेसी, पापा ग्रेसी के और नंदा ताई हम लोग तीनों जा रहे हैं सर्कस के लिए। ये गाइस हम पहुंच चुके हैं सर्कस में। खुशाली को बोल रहा टिकट निकालने के लिए, पता नहीं टिकट निकालेगी नहीं। एशियाड सर्कस निकल गया टिकट, कल आना नहीं हुआ इसलिए आ जाया फिर मैं। ग्रेसी हम लोग एज यूजुअल लेट हो गए हैं, 10 मिनट लेट है, शायद अंदर शुरू हो गया होगा, तो अंदर जाते हैं और देखते हैं कितना शुरू हो गया है। मुझे टिकट लिया, वो बोले कि पहले 100 वाला ले लो, आप नहीं पसंद आया तो फिर आप बदल के आगे वाला ले लेना। चलो वैसा करो सभी गाइस एंट्री गेट से अंदर एंटर करते ही और हमारे सीट पे बैठने के तुरंत बाद ही सर्कस का शो शुरू हो गया। शो में सबसे पहला एक्ट हुआ नाइजीरियन डांस ग्रुप का, जिन्होंने काफी अच्छे एक्ट किए और ग्रेसी को भी वो काफी पसंद आए। हमारी ग्रेसी को स्टेज के पास जाकर शो देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। इस सर्कस की सबसे एक्टिव मेंबर यही लड़की थी, जिसने बहुत सारे एक्ट परफॉर्म किए और ये इस सर्कस का सबसे बेस्ट एक्ट था। इस परफॉर्मर का बैलेंसिंग स्किल तो इतना ज़बरदस्त था कि बैलेंसिंग के साथ में बाकी भी एक्ट करे जा रहे थे, वो भी इजीली। हाँ थोड़ा 19-20 हो रहा था, लेकिन फिर भी इतना बैलेंस करना बहुत बड़ा स्किल है।
गाइस इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। ऊपर हाथ अलग चल रहे हैं, पैर अलग चल रहे हैं, और मुझे लगता है ये सब सिर्फ महिलाएं कर सकती है, क्योंकि मल्टीटास्किंग करना महिलाओं को अच्छे से आता है। ये वही परफॉर्मर है जिन्होंने एरियल एक्ट परफॉर्म किया था। इस सर्कस के सभी एक्ट में सबसे ज़्यादा एनर्जी और पावरफुल परफॉर्मेंस इसी डांस ग्रुप की थी, और सब लोग इसे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे क्योंकि इनका इंटरेक्शन भी पब्लिक के साथ ज़्यादा था। इस शूटिंग वाले एक्ट में तीन महिलाएं आई और तीनों को कोई इंटरेस्ट नहीं था परफॉर्म करने में। तीनों बंदूक पकड़ रही थी, आड़ी टेढ़ी खड़ी कैसे पकड़ रही थी उनको पता, लेकिन बलून सब फूटे जा रहे थे। अब ये देख के मैं भी थोड़ा सा अचंभे में था क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो कुछ था नहीं, इसलिए ऐसा लगता है कि शायद वो जो बोर्ड था जिसपे बलून लगे थे ना, उसमें कुछ जुगाड़ था। Yeah.
गाइस, एक सर्कस के पीछे सर्कस के शो दिखते हैं, लेकिन एक सर्कस के पीछे कितने लोगों का मैन पावर होता है। आर्टिस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, बाकी मैनेजमेंट वाले होते हैं, जोकर वगैरह तो बात अलग है, लेकिन मैनेजिंग टीम ही इतनी बड़ी है उनकी। टिकट काउंटर पे लोग हैं, हर जगह पे तो लोग हैं। अब यहाँ पे भी देखिए कितने सारे लोग स्टेज पे हैं। ए पाई 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 उछलना रहा है तो खालसा। हाँ ठीक है, क्या तुमसे नॉर्मल ठिकाने। अभी ये आखिरी एक्ट है, लोग थोड़े से शांत हैं, थोड़े थक भी चुके हैं, लोग थोड़े शांत हैं, अभी आखिरी एक्ट का वेट कर रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि कब ख़त्म होता है, कब घर जाते हैं। हमको भी लग रहा है क्योंकि ग्रेसी अभी सुस्त हो चुकी है, एंटरटेनिंग है लेकिन ग्रेसी अभी फुल ऑन थक गई है, फुल उसको सोने का मूड है, अभी वो चिड़चिड़ भी कर रही है। ग्रेसी खुशाली स्टेज पे जाती क्या वो? आखिरी एक के लिए ये लोग सब वो आखिरी कुशनिंग लगा रहे हैं, नेट लगा रहे हैं। ये इस सर्कस का एक एम्प्लॉई है जो खुशहाली से हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में पूछताछ करने आया और फिर बाद में इस सर्कस के बारे में हमें जानकारी देने लग गया। इस वर्कर ने बताया कि जब इनके शो अनाउंस हो जाते हैं तो इनको किसी भी दिन छुट्टी नहीं मिलती है, बाद में तीनों शिफ्ट में इन्हें लगातार सेम काम करना पड़ता है और लगातार वहाँ एक्टिव रहना पड़ता है और हर किसी की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर रहती है। और सच में मुझे लगता है कि सही में इनकी लाइफ मुश्किल है। सिर्फ इसका जो वहाँ पे जो ठेकेदार था ना, जो वो काउंटर पे जो बैठा था, वो बड़ा एरोगेंट है। निकले बाहर, कैसा लगा मैडम? बढ़िया। अच्छा था, अच्छा था। पता नहीं ग्रेसी को कितना समझ में आया, बड़ों के लिए तो पता नहीं क्योंकि सब कलाकार जो थे वो थोड़े इंटरेस्टेड थे, उनको इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा था, लेकिन अभी क्या है उनको भी उनके जीवन के लिए करना है और कमाने के लिए करना है। लेकिन ओवरऑल अच्छा था, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था। हाँ शैतान बच्चों के लिए नहीं था क्योंकि
पॉजिटिव की जगह गलत सीख के आपको तकलीफ दे सकते थे। तो इस तरह से अभी शो हो चुका है पूरा। अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, पार्किंग से जाएंगे और फिर निकलेंगे घर। कैसा लगा प्रतीक जी आपको? मतलब वन टाइम वॉच है, बचपन में जब देखते थे तो बचपन में थोड़ा कैमरा ऐसा है, वो कट रहा है, सिर कट रहा है अपना, सिर कट रहा है अपना, हाँ ऐसा। हेलो, एक्चुअली ओवरऑल देखा जाए तो जैसे मुंडी कट रही नहीं, नहीं सी इफ़ यू आर डूइंग लाइक दिस, हाँ कैमरा जा रहा है ऐसा ले रही ना, ये यहाँ जा रहा है हाँ, और ये तुम ऐसा अगर ले रही हो तो कम से कम लोएस्ट बॉर्डर तो अपना चेहरा मिला है। चलो हाँ, वो तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो ये बचपन में ज़्यादा इंटरेस्ट वाला था क्योंकि पहले बार देखा था, वो लोग भी थोड़ा सा एनर्जी के साथ परफॉर्म करते थे, ये लोग तो बेचारे बिल्कुल सुस्त थे, खाना खा के थक गए थे वो लोग। शो अच्छा था, फर्स्ट टाइम वॉचर के लिए अच्छा था, आप पहली बार देखो आपको मज़ा आएगा, लेकिन जीरो ने ऑलरेडी देखा हुआ है उनको तो लगेगा रिपीट टेलीकास्ट लगेगा ये सब। अपने लोगों के लिए ओके ओके हो गया, नहीं लेकिन बच्चों को मज़ा आया ना, पर बच्चों के लिए अच्छा है, ये जनरेशन के लिए ठीक है, अच्छा है, मज़ा आई पर कुछ चेंज हो गया। ये साइंस कोर स्कूल है, ये वाला साइंस कोर नाम से स्कूल है हाँ। चप्पल न जोड़े।